क्षमता उत्पन्न होती है अपने समाज के नाम को आगे बढ़ाने की। क्षमता उत्पन्न होती है अपने क्षेत्र के विकास और प्रगति में योगदान देने की। क्षमता होती है अपने देश मां भारती के तिरंगे झंडे को विश्व पटल पर गाड़ के रखने की। ये सारी क्षमताएं इस युवा पीढ़ी में, चाहे युवा हो या युवती हो, वो मूल्य, वो सिद्धांत, वो चरित्र, वो भाव, वो संकल्पता, इन नई पीढ़ी और इस नई आने वाले पीढ़ी में अगर कोई उत्पन्न कराता है तो घर में माता उत्पन्न कराती है। मां भारती के संस्कार को आगे हमें ले जाना है, मां भारती की विचारधारा को आगे ले जाना है, उच्च मूल्य और सिद्धांत आने वाले पीढ़ी में उत्पन्न करना है, तो वो घर की महिला, घर की लक्ष्मी, घर की मां सरस्वती, घर की मां दुर्गा के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। और ये आज भारतवर्ष के इतिहास है। मातृशक्ति की क्षमता इस भारत में कोई आधुनिक युग की विचारधारा नहीं है। हजारों सालों से हमारे देश में जहां भगवान राम है वहां माता सीता है, मां दुर्गा है, मां सरस्वती है, माता लक्ष्मी है। हर घर में पूजन होता है तो माता का पूजन होता है, देवी और देवताओं का पूजन जब होता है तो देवियों का संस्कार के साथ भक्ति किया जाता है। और इसलिए हमारे ग्रंथों में हजारों साल पहले लिखा गया था, यत्र नारायस्तु पूजन्ते, यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। अर्थात कि केवल जहां नारियों का सम्मान होता है, केवल केवल वहीं देवता विराजते हैं।